अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही आसान नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं बनाऊंगी बेसन की रोटी। जिस तरह हम पकोड़ों के लिए बैटर तैयार करते हैं, उसी तरह का एक बैटर तैयार करेंगे। एक रोटी के लिए मैंने 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, थोड़ा सा अनियन टोमेटो और थोड़ा सा हरा धनिया और एक ग्रीन चिल्ली ली है। अब इसमें ये चंद मसाले डाल के बैटर तैयार करेंगे। अब एक सिंपल पेड़ा लेके इसकी रोटी बेल लेंगे और तवे को थोड़ा सा गर्म करके उसके ऊपर रोटी डाल देंगे। अब इसके ऊपर ये पूरा बैटर डाल के फैला देंगे। इस वक्त चूल्हे को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। रोटी को आपने बिल्कुल पतली बेलनी है और आराम आराम से बैटर को पूरी रोटी पर फैलाना है इस तरीके से। जब बैटर रोटी के ऊपर थोड़ा सा चिपक जाए तो फिर नीचे थोड़ा सा ऑयल डाल के रोटी को फ्लिप कर देंगे। रोटी हमारी नीचे से थोड़ी सी पक गई है। अब ऑयल डाल के थोड़ा सा और पका लेते हैं। ऑयल डालने से रोटी का कलर जल्दी ब्राउन हो जाता है, तो आपने जल्दी से इसको फ्लिप कर देना है। अब बैटर वाले साइड को पकाएंगे। बैटर वाला साइड भी हमारा अच्छे से पक गया है और ये मज़ेदार सी बेसन की रोटी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप इसके ऊपर बटर लगा के खाएं, या इमली की चटनी के साथ खाएं, या दही के साथ खाएं। और अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।